दिल्ली का सबसे बड़ा डोसा 5.5 फुट का, क्या आपने कभी ट्राई किया है? चलिए हमारे साथ, हम आपको लेकर चलते हैं इसे ट्राई करने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आरतीज लाइफस्टाइल में। आज मैं हूँ कनॉट प्लेस के डोसा फैक्ट्री में। यहाँ हम आए हैं ट्राई करने यहाँ का सबसे फेमस फैमिली डोसा, जो है 5.5 फुट का। दिल्ली में कहीं और आपको इतना बड़ा डोसा कहीं नहीं मिलेगा। जैसे ही हम इस आउटलेट में घुसते हैं, हमें मिलता है एक बहुत ही सटल सा एटमॉस्फेयर। इस आउटलेट का नाम है डीएस डोसा फैक्ट्री। इसका इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत है। ये है इसका रिसेप्शन और फूड काउंटर। और इस दरवाजे के पीछे है यहाँ का किचन, जहाँ आपको वैरायटी ऑफ फूड मिलेगा। अब चलते हैं रेस्टोरेंट के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि है 1st फ्लोर पर। यहाँ की खासियत ये है कि ये बहुत ही अलग सा हिस्सा है, जहाँ आप छोटी गैदरिंग्स, बर्थडे पार्टीज, किटी पार्टीज वगैरह आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से नीचे का व्यू भी बहुत ही शानदार है। अब जानते हैं यहाँ के मैनेजर से यहाँ की फूड वैरायटी के बारे में। मसाला डोसा है, रवा डोसा है, मैसूर डोसा है, चिटिना डोसा है, अढ़ाई डोसा है, पेसरतु डोसा है, इडली है। यहाँ के मेन्यू के बारे में बात करें तो वो काफ़ी इलाबोरेट है। साउथ इंडियन, चाइनीज, नॉर्थ इंडियन, यहाँ पर सब मिलता है। इनके पास स्पेशल पार्टी पैक्स भी हैं बर्थडेज और किटी पार्टीज के लिए। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्लेस इज दैट सीपी में होने के बावजूद ये आपके पॉकेट में छेद नहीं करता। यहाँ के प्राइसेस बहुत ही नॉमिनल हैं। इडली डोसा तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, जो कि किसी भी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में मिलता है। हम यहाँ देखने वाले हैं द प्रिपरेशन ऑफ अ वेरी यूनिक साउथ इंडियन डिश, जो कि डीएस डोसा फैक्ट्री का एक्सक्लूसिव है। दिस इज कॉल्ड मटका इडली। आप देख ही सकते हैं कितने यूनिक तरीके से इसे प्रिपेयर किया जा रहा है एक मिट्टी की हंडिया में। मैंने यहाँ पर मिनी इडलीस का मटका इडली बनवाया है, जिसका प्राइस है सिर्फ 149। और खाने में ये बहुत ही अलग और टेस्टी है। अब बारी है टू विटनेस द प्रिपरेशन ऑफ द फैमिली डोसा। ये एक सुपर ह्यूज साइज का डोसा है। 5.5 फुट का डोसा सुनने में ही छोटा लगता है, पर एक्चुअली में ये बहुत ही बड़ा है। कम से कम 6 से 7 लोग मिलकर इसको खाते हैं। दिस इज आवर डोसा रेडी टू बी सर्व्ड। चलिए टेबल पर चलते हैं इसे एंजॉय करने के लिए। ये डोसा सर्व किया जाता है आलू की सब्जी, रेड चटनी जो कि इमली की चटनी होती है, खट्टी मीठी इमली की चटनी, कोकोनट चटनी एंड ग्रीन चटनी, एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ सांभर। क्वांटिटी देखकर ही आप समझ सकते हैं कि कम से कम 5-6 लोग इस डोसा को खा सकते हैं। ये डोसा दिखने में ही सुंदर नहीं है, खाने में भी बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और सुपर यमी है। गरम गरम सांभर के साथ दिस इज जस्ट ऑसम। अगर आप साउथ इंडियन फूड के शौकीन हो और अभी तक आपने ये ट्राई नहीं किया है, तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यहाँ आए एंड गिव इट अ ट्राई। यहाँ के किचन में फूड वैरायटीज तो बहुत है,
जैसे कि ये चीज़्ड बर्स्ट उत्तपम तैयार हो रहा है। इसके अलावा यू गेट पनीर डोसा, रवा डोसा, चेट्टीनाड डोसा एंड मैनी मोर थिंग्स। सो कम हेयर वंस, विजिट दिस प्लेस एंड ट्राई द ऑसम फूड। अगर आप इस जगह पर पहुंचना चाहते हो तो आपको आना पड़ेगा सीपी। सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।